गाइस, वेलकम बैक। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका जीमेल अकाउंट डिसेबल हो चुका है तो किस तरह से आप उसे रिस्टोर कर सकते हो, दोबारा से फिर से किस तरह से रिकवर कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट एक दिखा देता हूँ जो कि बहुत दिनों तक यूज नहीं करने के बाद ये डिसेबल हो चुका था। तो मैं इस जीमेल को यहाँ पर लॉगिन करके दिखाता हूँ और इसका इंटर पासवर्ड करता हूँ और यहाँ से पासवर्ड इंटर करने के बाद नीचे की तरफ आपको नेक्स्ट के बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड। तो यहाँ से मेरा जो जीमेल अकाउंट है डिसेबल हो चुका है। तो नीचे की तरफ आप दो ऑप्शन आपको सिर्फ मिल रहा है, डाउनलोड योर डेटास का, एक रिक्वेस्ट रिव्यू का। तो गाइस, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट रिव्यू करनी है, इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस इन्होंने बोला है कि जैसे आपका जीमेल अकाउंट डिसेबल हुआ है तो उसे ठीक करने के लिए आपको 48 आवर्स आपको लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर ईमेल मांग रहा है, तो आपको कौन सा ईमेल देना है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव एक जीमेल देनी है जो कि अलग होनी चाहिए, जो अगर आपका जो डिसेबल हो चुका उस जीमेल को आपको नहीं देनी है यहाँ पर। इसके अलावा अगर एक जीमेल और है तो यहाँ पर इसे देनी है ताकि आपको रिकवर होगा। तो इसके ऊपर आपको रिक्वेस्ट इसमें सेंड कर दिया जाएगा कि ये जीमेल आपको रिस्टोर दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन्फॉर्मेशन आपको इसी जीमेल के थ्रू आप ले सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर एक अल्टरनेटिव जीमेल अपना दे चुका हूँ, दे दिया हूँ, और यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देनी है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ रिक्वेस्ट करनी है आपको, रिक्वेस्ट के थ्रू आपको कुछ लिखनी होगी कि आखिर क्यों आखिर ये जीमेल डिसेबल हुआ है। तो मेरा रीज़न था फ्रेंड, यहाँ पर बहुत दिनों से ये जीमेल का यूज नहीं कर रहा था किसी डिवाइस के अंदर, जिसके वजह से ये जीमेल डिसेबल हो चुका था। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर देनी है यहाँ पर सिंपली। और वो देख सकते हो यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो चुका है, और यहाँ पर अपना जो जीमेल आपका जो डिसेबल हुआ होगा तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको शुरू शुरू में ही आपको स्टार्टिंग में वो जीमेल अकाउंट दे देनी है, और लास्ट में भी आपको वही जीमेल अकाउंट दे देनी है जो डिसेबल हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर जो डिसेबल हुआ अकाउंट है जो कि यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, तो गाइस, तो जीमेल अकाउंट मैंने यहाँ पर दे दिया और रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करनी है सिंपली, अब सबमिट कर देनी है। तो सबमिट करने के बाद ये रिक्वेस्ट आपका सेंड हो जाएगा गूगल अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पर देख सकते हो ये रिक्वेस्ट हो चुकी है यहाँ पर, और 2 दिन के बाद यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर